अपने घर का मेरा कोई पूरा नहीं था, ना पैसे भेजते मेरे लिए। 3,000 बड़े मुश्किल में सऊदी अरब से भेजते थे। उसके बाद अपने पिताजी के बैंक में सारा पैसा डालते हैं, और वहाँ से आने के बाद हमको कुछ ना तेल ना मिर्चा ना पानी कुछ भी सब्जी भाजी नहीं लाते रहे। हम लोग भूखों मरने लगे। तब मैं और मेरे बच्चे की फीस भी नहीं इस साल जमा की। मैंने एक बच्चे को अपने घर में बैठा रखा, दो बच्चे को फीस के एडमिशन के लिए दी नहीं पैसे। मैंने उनसे कहा कि मैंने अपने पायल बेच के अपनी फीस भर दी है बच्चे की, वो नहीं भरे। अपनी अम्मा के पास चले जाते थे, ना मेरे पास कोई खाना पीना खाते थे ना कुछ था, और वहीं पर सोते थे। जब मैं गुस्सा होती थी कि रात भर उतरी लेटते हैं, क्यों लेटते हैं, आखिर क्या कारण है। कल परसों की बात है, मैं निकली कि चलो देखूँ, एक बाल्टी पानी ले आऊँ नल से। नल में पानी भरने गई तो सब लोग गुट बना था, सब लोग इकट्ठे थे। बोले जी मेरे ससुर जी थे, दो मेरे जेठ थे, दो मेरे देवर थे जी। और एक मेरा भतीजा था, बड़े जेठ का लड़का। हम तीनों लोग सब लोग थे, और सब लोगों ने, और मेरे हस्बैंड थे, उन हम मेरे हस्बैंड से बोल रहे थे कि तुम इसको तलाक दे दो या तो जान से मार दो, तो रोज़ रोज की लड़ाई झगड़ा ठीक हो जाएगा। ठीक है, आंगन में मुझे इतना मारा सभी लोगों ने, किसी के हाथ में डंडा और किसी के हाथ में पटेली, कोई घूसा कोई लात, सब लोगों ने मुझे घायल कर दिए सर। फिर उसके बाद सारे लोग बाहर चले गए, मेरे हस्बैंड बस रह गए, तो उन्हें घसीट के मैं बेहोश हो गई। घसीट के सर मेरे ऊपर मिट्टी का तेल डाल दिया अंदर, तो माचिस लेने के लिए बाहर गए, तब मेरे बच्चे ने अंदर से चुनरी लगा ली, जैसा मेरी जान बच गई मम्मी को। सब लोगों ने मिलकर और पापा ने मारा। कौन सब लोगों ने मिलकर मारा है? कौन कौन थे? राम चाचा ने, और लल्लू चाचा ने, और जुम्मन चाचा ने, और सराफत बड़े पापा, और पापा ने भी मारा है। हाँ। मिट्टी के तेल डाला था। हाँ। और काय से मारा था बेटा? पटिया से मारा था। पटिया से? सब ने मिलके मारा है। हाँ, आपकी मम्मी को? आपकी मम्मी को मारा है? हाँ। तुमने कैसे बचाया अपनी? तुमने फिर कैसे बचाया? ये महिला को मैंने मारा है, फिर मिट्टी का तेल डाला, क्या है पूरा मामला? ये सलमा बानो नाम की महिला है, इसको इसके पति ने, उसकी शादी सबीर हसन से हुई थी, पचोखर का मामला है ये, और इस पर हम लोगों ने केस दर्ज कर लिया है, और इसको सिर में काफ़ी चोटें आई थी, और इस पर जो है हम लोगों ने क्राइम नंबर 202/18, धारा 307, 323, 504, 506 ये दर्ज कर लिया है, और इसमें कार्रवाई हो रही है, और इसका जो नामित अभियुक्त है ये भी पुलिस की निगाह में है, और इसको जल्द ही भेज दिया जाएगा गिरफ्तार करके। सर आरोपी गिरफ्तार हो गया है या अभी फरार है? आरोपी पुलिस के गिरफ्त में है, नज़दीक है, आज हमारे ख्याल से इसकी गिरफ्तारी संभावित है, और कल तक ये चल चला।